So I have corset, I have jewelry, I have footwear. Hi guys, welcome or welcome back to my channel. How are you all doing? I hope you all are doing good. So yes, if you are new to my channel, hi, my name is Anvya Sharma. I would really appreciate if you will take a moment and subscribe to my channel below. Also hit the bell icon ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आप उसे मिस आउट ना करें. एंड हाँ जी, आज के वीडियो के टाइटल से आप पढ़ ही चुके हैं दैट टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अ मिंत्रा हॉल. अब मिंत्रा हॉल दिस इज नॉट अ स्पेसिफाइड हॉल कि ये एकदम कुर्ता सेट या ड्रेस वाला हॉल है. दिस इज ऑन एवरी थिंग दैट आई बॉट फ्रॉम मिंत्रा. अब इसमें वो वाली चीजें भी हैं जो मैंने मिंत्रा से ली हैं, प्लस वो वाली चीजें भी हैं जो मैंने मिंत्रा से ली थी और काफी बार यू नो जैसे फुटवेयर है तो मैंने वो काफी बार पहन चुकी है. एंड मोस्टली हर शॉर्ट्स पे मेरे पास कमेंट आता है कि वेयर इज द फुटवेयर फ्रॉम, तो ये तो वो. सो हियर आई एम. सो आई हैव कॉर्सेट, आई हैव ज्वेलरी, आई हैव footwears and एक पैर रह गया. बट यस, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शो यू गाइज. सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जम्प इन टू द वीडियो. सो फर्स्ट इन द लाइन इज दिस ग्रे कलर कॉर्ड सेट. तो इसमें आपको एक टॉप मिल जाता है विच इज अ बिट क्रॉप्ड, प्लस यू ऑल्सो गेट अ स्कर्ट विथ इट. अब ये जो कलर है, ये कलर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया और बेसिक्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट कलर है. अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, सो आई हैव पिक दिस इन साइज मीडियम और इसका जो मटेरियल है दैट इज प्योर कॉटन. तो ये पहनने पे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट है. अगर हम स्पेसिफिकली टॉप की बात करें तो आपको इसमें सामने से ये स्वीट हार्ट नेक मिल जाती है, प्लस आपको जिप क्लोजर भी मिल जाता है. अगर हम स्लीव्स की बात करें तो आपको हाफ स्लीव्स मिल जाती है विथ अ पफ्ड पैटर्न. ये क्रॉप टॉप है एज यू कैन इजिली सी. और बाकी सब भी ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें बताने लायक, बाकी सब भी एकदम परफेक्ट है. अंदर से आपको एक और लेयर ऑफ लाइनिंग मिल जाती है तो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. एंड पहनने पे जैसे कि मैंने आपको बताई दिया, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है. अब इसकी जो नेक है वो बिकॉज स्वीट हार्ट है सो इट इज अ लिटिल डीप बट नॉट वेरी डीप, इट इज वेरी मच मैनेजेबल. तो आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं. अगर हम स्कर्ट की बात करें तो आपको इसमें स्ट्रेट फिट स्कर्ट मिल जाता है जिसमें से अगेन आपको सामने ये जिप क्लोजर मिल जाता है और आपको इधर ये वाली साइड में आपको यहाँ पर साइड स्लिट भी मिल जाता है. इट इज अ लिटिल मिनी मिनी स्कर्ट बट इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉपर है और मुझे वाला कॉर्ड सेट बहुत ही पसंद आया. एंड ऑलमोस्ट समर्स आर हियर तो समर के हिसाब से ये वाला कॉर्ड सेट इज परफेक्ट. एंड यस, प्रीटी मच दैट्स इट फॉर दिस कॉर्ड सेट. नाउ दिस वन आई गॉट इट फॉर ₹614. सो नेक्स्ट अप ऑन नंबर टू आई हैव दिस ब्लैक कलर कॉर्ड सेट. अब हमने बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न पहन लिया तो मैंने सोचा थोड़ा सा इंडियन पे जंप मारते हैं तो ये आपको थोड़ा सा ऐसे इंडियन टच में कॉर्ड सेट मिल जाता है. सो आई हैव पिक दिस इन साइज मीडियम और इसका जो मटेरियल है दैट इज अगेन कॉटन. इसमें आपको मिल जाते हैं ये क्यूलॉट्स विच इज एकदम प्लेन ब्लैक कलर के. एंड देन आपको इसमें ये हल्का सा ऐसे फ्लैड वाला टॉप मिल जाता है जिसमें आपको ये पूरे एथनिक मोटिव्स प्रिंट मिल जाते हैं. वो जो प्रिंट है उसका जो कलर है वो दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा सुंदर है. अगर हम नेक की बात करें तो आपको इसमें राउंड नेक मिल जाती है. जो स्लीव्स हैं वो तो है ही नहीं तो ये एक स्लीवलेस टॉप है. बाकी आप देख सकते हो काफी ऐसे फ्लैट फ्लैट वाला टॉप है और हल्का सा ऐसे लूज फिट में टॉप है विच आई लाइक अ लॉट. और ये पूरा ही पेयर करने पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. तो इट इज गिविंग अ लिटिल वेस्टर्न टाइप ऑफ लुक ऑल्सो एंड थोड़ा ट्रेडिशनल वाला. तो ये काफी इंडो वेस्टर्न कॉर्ड सेट है आई मस्ट से. अगर हम इसके लेंथ की बात करें क्यूलॉट्स के तो जो इसकी लेंथ है वो आपको काफ लेंथ तक ये मिल जाता है. काफी ज्यादा कंफर्टेबल है. अब मेरे से एक गलती ये हो गई कि मैंने ना इसका साइज चार्ट नहीं देखा और मेरे को लगा मीडियम ही बनेगा तो मैंने मीडियम ही ऑर्डर कर दिया. बट ये थोड़ा सा तो लूज आया है बट ठीक है, मैनेजेबल हम कर लेंगे. सामने से आपको इसमें फ्लैट बैंड मिल जाता है और पीछे से आपको इसमें इलास्टिक बैंड मिल जाता है. अब इसका जो मटेरियल वो हल्का सा पतला है और थोड़ा सा सी थ्रू भी है बट क्योंकि ये ब्लैक कलर है तो फिर इतना टेंशन लेने की बात नहीं है. अगर हम इसकी फिटिंग देखें क्यूलॉट्स की तो आपको एकदम स्ट्रेट फिट और लूज फिट में मिल जाते हैं. एंड यस, प्रीटी मच दैट्स इट फॉर दिस वन. मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें और भी कुछ ऐसा है बताने के लिए. इसकी जो बैक है उसमें आपको ये बटन क्लोजर मिल जाता है एंड दैट्स इट. यहाँ पर मैंने पहना हुआ है, आप देख सकते हैं आपको कैसा लग रहा है. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट से जाके मिंत्रा पे ऑर्डर कर दीजिएगा. दिस वन आई गॉट इट फॉर ₹477.
So now coming on to number 3, I have one more quad set for you. Now this one you might have seen a lot of times, but उसके बाद भी सबका यही question रहता है कि ये कहाँ से लिया है. So I thought why not to mention in this haul video, क्योंकि मैंने ये एक और haul video में दिखा चुका है, but अगर मैं mention करती हूँ कि ये वाले haul video में जाके देख लो तो कोई भी नहीं देखता है. फिर वो नीचे पूछते रहते हैं कि link भेज दो, तो ये कहाँ से लिया, तो इसकी fitting कैसी है. तो फिर मैंने सोचा मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको एक और बारी. So this is the quad set which I absolutely love. इसका fit is perfect. और आजकल बहुत ऐसे old money aesthetic vibes चल रही हैं, तो इसके हिसाब से भी this looks very perfect. और थोड़ा सा वही touch में आता है ये. So as you can see, it is a short kind of top and skirt. And I have picked this in size medium. और इसका जो material है that is polyester and a little cotton mix वाला, तो polyester ही मान लो. तो अगर आप इसके टॉप की बात करें, सो हाँ जी, आपको ऐसे शर्ट पैटर्न में मिल जाता है. आपको इसमें कॉलर नेक मिल जाती है, प्लस बटन डाउन क्लोजर भी मिल जाता है. जो स्लीव्स हैं वो आपको हाफ लेंथ इसमें मिल जाती हैं. सामने से आपको इसमें से फ्लैट बैंड सॉर्ट ऑफ यहाँ पे मिल जाता है जिसकी हेम है, बट पीछे से आपको इसमें इलास्टिक मिल जाती है. तो ये एकदम आपकी बॉडी पे, आपकी वेस्ट पे एक्चुअली टाइट हो जाता है और बिल्कुल भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता है. इसकी फिटिंग इज परफेक्ट एंड द मटेरियल इज ऑल्सो वेरी थिक एंड वेरी गुड एंड नॉट एट ऑल सी थ्रू. बहुत ही अच्छा मटेरियल है एंड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी है. अगर हम स्कर्ट की बात करें तो ये आपको स्ट्रेट फिट स्कर्ट मिल जाता है, जिसमें आपको साइड में ये जिप क्लोजर यहाँ पे मिल जाता है. एंड ये वाला जो स्कर्ट है, इसकी भी जो लेंथ है थोड़ी सी मिनी मिनी है, बट ये पहनने पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. सो यस, आई एब्सोल्युटली लव इट. और इसके जो प्राइस है वो यहाँ पर मेंशन मैंने आपको कर दिया है. सो नाउ दैट वी आर डन विद कॉर्ड सेट, लेट अस जंप ऑन टू इयररिंग्स, दैट इज ज्वेलरी. सो आई हैव दीज टू वेरी ब्यूटिफुल इयररिंग्स एंड दीज आर सुपर अफोर्डेबल. मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतने ज्यादा सुंदर इयररिंग्स आ जाएंगे. सो सबसे पहले दीज पिंक वंस विच लुक absolutely gorgeous, absolutely. So as you can see, these are gold and pink color earrings. और इसका जो pattern है वो आपको drop earring वाले pattern में मिल जाता है. इसमें पूरे में आपको stone and beads वाली detailing मिल जाती है. जो नीचे एकदम ये जो white और pink का जो combination दिया है ना beads में, वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा pretty लग रहा है. मतलब everything is perfect फैक्ट अबाउट दीज इयरिंग्स. मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे को लोकल मार्केट में ना इस टाइप के इयरिंग्स मिले ही नहीं है, इतने ज्यादा ब्यूटीफुल है. एंड हाँ जी, अब काफी लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं, आप तो दिल्ली के सरोजनी मार्केट जाओ, ये मार्केट जाओ, तो आपको मिल जाएंगे. ऑफकोर्स मिल भी जाएंगे, बट अब सब लोग तो वहां नहीं जा सकते ना, तो सबको थोड़ा सा ऐसे इन हैंड सोल्यूशन देना पड़ेगा कि वो घर पे बैठे बैठे ले लें. सो दीज आर द परफेक्ट पेयर ऑफ इयरिंग्स दैट यू शुड गेट. Yes, this one I got it for piece 235. That's it. So on number 2 are these blue color earrings. Ek to na look at their packaging. Their packaging is super 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 great. Matlab bilkul bhi aap jo bhi kya bolenge ज्वेलरी का पीस मंगा रहे हो वो बिल्कुल भी हिंडर नहीं होगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा. एंड दीज आर फ्रॉम द ब्रांड अनोक. एंड पिंक तो आपने देख ही लिया था, ब्लू वाले भी बहुत ज्यादा प्रिटी हैं. दीज आर द प्रिटी 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 ब्लू कलर इयररिंग्स. इसमें जो डिटेलिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दी गई है एंड ब्लू पिंक व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन दिया है दैट लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. और ये कोई भी कलर के कुर्ता सेट पे या साड़ी पे चला जाएगा, बिकॉज इसमें इतने सारे कलर कॉम्बिनेशन है कि आप किसी के साथ भी मिक्स मैच करके इसको पहन सकते हो. अगर आप देखो तो ये भी आपको ड्रॉप इयररिंग पैटर्न में ही मिल जाते हैं. जो गोल्ड बॉर्डर के साथ कुंदन वर्क किया गया है वो भी बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है. एंड जो ओवरऑल शेप है ना इयररिंग का, वो भी बहुत ज्यादा न्यू है. हल्का सा ही आपको ऐसे लीफ के शेप में मिल जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रिटी लग रहा है एंड वेरी यूनिक इयररिंग टू एंड सुपर अफोर्डेबल. हाँ जी, दिस वन आई गॉट इट फॉर पीस 190 ओनली. हाँ जी, फाइनली कमिंग ऑन टू फुटवेयर. सो आई हैव द मोस्ट रिक्वेस्टेड फुटवेयर विच इज दिस ब्राउन वन.
बिकॉज दिस लुक्स एब्सोल्युटली परफेक्ट. ये पहनने पे भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और ये कोई भी आउटफिट के साथ आप इजिली पेयर कर सकते हो. एंड मैं आजकल मोस्टली आउटफिट के साथ यही पहनती हूँ. मेरी गो टू स्लीपर्स एंड लिटरली गो टू फ्लैट्स हैं ये मेरे. तो मोस्टली अगर मैं इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ तो एवरी वन आस्क मी कि भाई आपकी फुटवेयर कहाँ से है. शॉर्ट्स पे भी सब यही पूछते हैं. सो आई थॉट कि इस वीडियो में इसको इंक्लूड करना है, सुपर इम्पॉर्टेंट. सो यस, अगर हम डिटेल में ये फ्लैट की बात करें तो ये एक ओपन टो फ्लैट है. जो इसका टो वाला पार्ट है वो आपको राउंड शेप में मिल जाता है. जो ये बैंड है ये भी बहुत ज्यादा प्रिटी है. एंड मोस्टली इस टाइप के जो बैंड है ना ये लग्जरी ब्रांड्स ही बनाते हैं. तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि एकदम सुपर अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये वाला बैंड मिल रहा है. अगर हम सोल की बात करें तो इतना कोई बहुत ज्यादा कुशन्ड सोल नहीं है. बट हाँ, ऐसा नहीं है कि ये कंफर्टेबल नहीं है या पहनने पे बहुत ही ज्यादा यू नो ऐसे हार्ड हार्ड हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पहनने पे ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है एंड काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है. मतलब आई एम यूजिंग दीज फुटवेयर सिंस 2 or 3 months नाउ एंड इट इज सुपर 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 ड्यूरेबल. बिल्कुल थोड़ी सी भी मुझे इसमें दिक्कत नहीं आई है. एंड यस, प्रीटी मच दैट्स इट. सोल वगैरह भी इसका परफेक्ट है, बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है. एंड यस, अब इसमें तो क्या ही साइज वाइज बताना है, सब कुछ एकदम बढ़िया है. अगर आपको पसंद आए तो आप भी ले लीजिएगा. प्राइस सुन के तो आप सोचोगे कि ले ही लेती हूँ. So this one I got it for ₹419 only. मतलब ये फुटवेयर इतनी ज्यादा प्रीमियम लग रही है ना, बट जो प्राइस है वो केवल 419 है और 419 में इट इज सुपर ड्यूरेबल. सो हाँ जी, ऑन नंबर टू आई हैव अगेन बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड फुटवेयर जिसको मैंने काफी बार पहन चुका है, विच आर दीज बेज कलर म्यूल्स. अब ये पहनने पे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगती है. इसका जो मटेरियल क्वालिटी एवरीथिंग इज परफेक्ट. एंड ऑल्सो इसमें आपको ये जो रेस्ट वाला पार्ट है ये भी बहुत ज्यादा ऐसा फोम फोम वाला मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है. जो हील है वो आपको ब्लॉक हील मिल जाती है बट ऐसे हल्के से ऐसे डायमंड वाले शेप में आपको मिल जाती है. तो ये बहुत ही ज्यादा फैंसी लग रहा है. अगर हम म्यूल्स की बात करें तो सामने से इसमें आपको ऐसे चेन डिटेलिंग भी मिल जाती है. वो जो चेन डिटेलिंग है वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही है. एंड यस, प्रीटी मच दैट्स इट. जो चेन डिटेलिंग है वो जाके ऐसे पीछे इधर आपको ऐसे वेस्ट हे भगवान, कपड़ों का हॉल नहीं है दीदी, फुटवेयर है सॉरी. तो पीछे से जाके आपको ये ऐसा बैंड भी मिल जाता है विच इज काफी ज्यादा एडजस्टेबल. तो आप इजीली इसको यू नो एडजस्ट कर सकते हैं अपने पैर के हिसाब से. एंड इट इज सुपर कंफर्टेबल, सुपर कंफर्टेबल. और ये भी पहनने पे बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक देती है. इट इज सुपर ड्यूरेबल टू, क्योंकि मैं काफी टाइम से पहन रही हूँ और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है. और हील है बट उसको पहनने के बाद भी पैर वैर बिल्कुल नहीं दुखते, एकदम कंफर्टेबल है. इसके ना प्राइस थोड़े हाई है. सो दिस वन आई गॉट इट फॉर ₹1,499, मतलब ऑलमोस्ट ऑफ 1500. एंड येस, प्रिटी मच दैट्स इट फॉर दिस हॉल. आई रियली होप कि मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट्स इस हॉल में दिखाए हैं विच वॉज पूरे मिक्सचर ऑफ ज्वेलरी, कॉर्डसेट एंड फुटवेयर, वो आपको सारे ही पसंद आए होंगे. एंड इफ यू आर विलिंग टू बाई एनी ऑफ दीज, सो द लिंक इज इन द पिंड कॉमेंट्स एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. ऑल्सो डू लेट मी नो वॉट मोर हॉल वीडियोज डू यू वॉन्ट मी टू क्रिएट एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट फॉर यू गाइज. एंड ऑल्सो मुझे जरूर बताना इन द कॉमेंट सेक्शन दैट विच प्रोडक्ट यू लाइक द मोस्ट. ओके, and yes, I will see you guys next time in my new haul video. Till then, do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel. And yes, I will see you guys next time. Till then, bye bye, see you and I love you like always.